Hello everyone, my name is Shreyas Bhad. Welcome to Maharashtra S Academy. So today we are going to talk about the third part of How to Read the Hindu series. In this third part, we are going to focus on notes taking. तो हम आज फोकस करने वाले हैं कि हिंदू न्यूज़पेपर से हम नोट्स कैसे बनाएं और उसके बारे में मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूं. मतलब कि I will show you some PDF content of the Hindu newspaper और वहाँ से हर एक पेज से किस तरह से न्यूज़ उठानी है और नोट्स बनाने हैं ये मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी डिफरेंट सेशन. अब तक कि आपने हिंदू से नोट्स बनाना कैसे है ये बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, इसके बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन किसी ने भी आपको इस तरह से नोट्स बनाकर दिखाए नहीं होंगे ये मुझे पता है. सो दैट्स वाई ये एक पर्टिकुलर इशू बन जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन में या फिर कोचिंग में, एंड दैट आई रियलाइज वेरी वेल. इसीलिए हमने सोचा कि हम एक पर्टिकुलर ऐसा वीडियो लेकर आते हैं जहाँ पर हम आपको दिखा पाए कि एक्चुअल में नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन सा कंटेंट पिक करना है और कैसे उसे ऑर्गेनाइज करना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन. सो माई नेम इज श्रेयस बाड, आई एम द फाउंडर एंड बोर्ड मेंबर of Maharashtra S Academy. I have done my graduation in mechanical engineering and post graduation in CAD/CAM. I have 5 years of experience in UPSC coaching and 7 years of total teaching experience. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के प्रोसेस के बारे में कि हम कैसे इस पर्टिकुलर लेक्चर का फ्लो देखने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको हर एक पर्टिकुलर पेज की PDF दिखाऊंगा, उसके बाद में नोट टेकिंग फ्रॉम दैट पेज हम चर्चा करेंगे कि कैसे नोट बनाने हैं, नोट बनाने के बाद उसे समराइज कैसे करना है और समराइज करने के बाद उसे कैसे ऑर्गेनाइज करें सो दैट रिवीजन पर्पस के लिए वो काफ़ी आसान बन जाए. क्योंकि हिंदू से केवल नोट बनाना इतना ही नहीं होता है, मतलब कि नोट्स बनाने के बाद उसको आपको समराइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है और पूरे एक साल तक मेंटेन भी रखना है ताकि वो आपको मेंस में और प्री में काम में आ सके. तो ये सब कैसे करना है चलिए देखते हैं. सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ द फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर. ये मैंने 18th मई का न्यूज़पेपर लिया है 2020 का. इसको हम समझ के चलेंगे. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर. अब इस फ्रंट पेज में हमारे काम का क्या क्या मटेरियल है थोड़ा सा हम देखते हैं. तो हम सभी जानते हैं कि COVID-19 पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, इसीलिए ये अभी का सबसे एक पर्टिकुलर एक हॉट सेक्शन है, एक ऐसा सेक्शन जिसे हर न्यूज़ चैनल हर न्यूज़पेपर कवर करेगा ही करेगा. तो आपको इन सभी न्यूज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. नो डाउट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, लेकिन एज फार एज द यूपीएससी एग्जाम इज कंसर्न आपको हर चीज़ नोट डाउन नहीं करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ है लॉकडाउन एक्सटेंडेड एंड द स्टेट्स विल टेक अ कॉल ऑन इन्फेक्शन जोन्स. अब इस तरह से न्यूज़ हम देख रहे हैं पिछले 2.5 महीने से, तो आपको सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है. सेकेंड न्यूज़ यहाँ पर चल रही है सेंटर थ्रोज ओपन ऑल सेक्टर्स टू प्राइवेट प्लेयर्स. सो दिस इज वर्थ नोटिंग डाउन. ये हमारे काम की बात है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इट इज़ गोइंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. और वो रिफॉर्म्स क्या है? पहली चीज है रैपिड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. तो ये चीज हम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. और एक बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब भी हम हिंदू के अंदर कोई भी पर्टिकुलर न्यूज नोट डाउन करेंगे उसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. जैसे कि यहाँ पर न्यूज है प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो उसका बैकग्राउंड क्या बनता है कि इस पर्टिकुलर चीज के रीजंस क्या है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा करने के कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं और इसके वेज एंड मीन्स क्या है. तो आपको इस तरह से एक न्यूज़ के बैकग्राउंड में थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, तब जाके आपका एक कॉन्क्रीट नोट बन पाएगा. अब ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपको जीएस का नॉलेज आ चुका है, आपको सिलेबस पूरा पता है, एग्जाम की डिमांड भी पता है. तो मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जब तक कि आपको ये सब अच्छे से क्लैरिफाई ना हो आप हिंदू के नोट्स ना ही बनाएं. दिस विल टेक सम टाइम. जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो भी स्टार्ट कर रहा है उनको स्टार्टिंग में हो सकता है 2 महीने 3 महीने लग जाएं और उसके बाद फिर अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे कि हमें कैसे न्यूज पिक करनी है. तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप डे 1 से ये सब शुरू करो, बिकॉज आपको डे 1 से
ये सब अंडरस्टैंड नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये किस सेक्शन में आती है? सो दिस फॉल्स इन द इकोनॉमी सेक्शन। ओके, अगली न्यूज देखते हैं। सो दिस इज पेज नंबर सेकंड। यहाँ पर दिल्ली एडिशन का पेपर हमने लिया है, इसलिए दिल्ली के बारे में बहुत सारी न्यूज आ चुकी है। तो ये न्यूज है हॉस्टल के बॉयज और गर्ल्स के बारे में कि वो क्या इशू फेस कर रहे हैं, उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, और यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर चीज हाईलाइट करके रखी है, तो ये न्यूज है लेबरर्स के बारे में। सो वी आर लेबरर्स बट वी टू हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि माइग्रेशन क्राइसिस हमारे देश में चल रहा है। गवर्नमेंट ने सभी लेबरर्स को अपने अपने घर जाने की छूट दे दी है, उनके लिए बसेस ट्रेन स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे इशू सामने आ रहे हैं। सो वी आर फेसिंग ए ह्यूज माइग्रेंट क्राइसिस एंड दिस थिंग इज वर्थ नोटिंग डाउन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो हम इस पर्टिकुलर न्यूज को नोट डाउन कर सकते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर हेड ऑफ द डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस कोरोना आउटब्रेक। तो यहाँ पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं और कौन कौन से इशू सामने आते हैं। पहला इशू है लेबर माइग्रेशन, जो इस न्यूज से हमको समझ में आता है। सेकेंड चीज है डिस्ट्रेस कंडीशन हर जगह पर। तीसरी बात है डायलिमास, किसी को कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस। तो ये चारों पॉइंट के अंदर हम लोग काफी न्यूज इकट्ठा कर सकते हैं। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पेज की तरफ। सो दिस इज द थर्ड पेज ऑफ द सिटी। सिटी के बारे में यहाँ पर बहुत सारी न्यूज है, ये आप पढ़ सकते हैं जस्ट फॉर जनरल नॉलेज पर्पस, लेकिन यूपीएससी के लिए यहाँ पर कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, तो हम सीधा इसे स्किप कर सकते हैं। सो नथिंग वर्थ नोट डाउन हियर, बट यू कैन रीड सम आर्टिकल्स इफ यू वॉन्ट। उसके बाद पेज नंबर फोर जो नॉर्थ और ईस्ट के बारे में है, तो यहाँ पर पहले आर्टिकल है इनह्यूमन टू सेंड बॉडीज बाय ट्रक्स, सोरेन टेल्स आदित्यनाथ। सो दिस इज अ पर्टिकुलर आर्टिकल फ्रॉम झारखंड। उसके बाद में यहाँ पर अमरिंदर सिंह के बारे में है, पंजाब से न्यूज है। तो ये नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के ब्लेम गेम चल रहे हैं और हमें इन पे ध्यान नहीं देना है, तो इस तरह से हमको न्यूज पिक करनी है। अब क्या पिक करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है इस सीरीज का आप उसे जाकर देखें ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें कौन से न्यूज आइटम पिक करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पेज में ये एक चीज मैंने हाईलाइट की है दैट पंजाब फार्मर्स टू गो फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द राइस। तो यहाँ पर एक नया वर्ड सामने आता है डायरेक्ट सीडिंग, तो जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है वो ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, बिकॉज प्री में इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। सो यू कैन रीड द माइग्रेंट क्राइसिस इन वेरियस स्टेट्स, जो हमें इन दो न्यूज से पता चलता है, और उसके बाद में डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के बारे में हम नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेज नंबर फाइव साउथ इंडिया के बारे में। तो वही सारी बातें आपको साउथ में भी देखने को मिलेगी। इसमें इस पूरे पर्टिकुलर पेज में मैंने एक चीज हाईलाइट करके रखी है, दैट इज 588 इंडियंस रीच कोची फ्रॉम मालदीव्स। तो हम जानते हैं कि जितने भी भारतीय बाकी देशों में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उनको अपने घर वापस लाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एफर्ट्स लगा रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही है, और बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो उन्हीं में से एक पर्टिकुलर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर मालदीव्स में परफॉर्म किया गया, जहाँ पर इंडियंस को कोची लाया गया। सो वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू नोट डाउन ऑल सच काइंड्स ऑफ द रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हमको उन्हें नोट डाउन करना होता है बिकॉज इनके बारे में प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। सो रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन थ्रू वाटर, थ्रू एयर, इसेंशियल सप्लाईज एंड द कंट्रीज विच आर इन न्यूज जस्ट लाइक मालदीव्स, मॉरिशियस, यूएसए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बातें वर्थ नोट डाउन है, दिस कैन बी हेल्पफुल इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है हिंदू में आर्टिकल्स का पेज। अब ये आर्टिकल्स कैसे पढ़ने हैं इसके बारे में ऑलरेडी वी हैव मेड डिटेल वीडियो, आप प्लीज उसको जाकर देखिए ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। सो इस तरह से हिंदू के अंदर दो पेज होते हैं और इन दो पेजेस में बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसके अंदर हाई क्वालिटी कंटेंट होता है, एंड दिस कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस। उसके बारे में चर्चा करते हैं पेज नंबर 8 के बारे में। अब यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड आपको न्यूज मिलेगी,
तो पहली न्यूज है इट्स अ 3.22 लाख करोड़ पैकेज सेड बाय कांग्रेस। तो हम जानते हैं कि COVID-19 आउटब्रेक से निपटने के लिए और हमारी इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया है जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अप्लाई होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पैकेज में बहुत सारे लैक्यूनाज सामने उभर के आ रहे हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए इनके जो ब्लेम गेम्स हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट ने जो पैकेज लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। जैसे कि हम जानते हैं मिशन आत्मनिर्भर। अब ये जो पर्टिकुलर मिशन है गवर्नमेंट ने लॉन्च क्यों किया, इसकी मेजर हाइलाइट्स क्या है, इसकी कॉन्ट्रोवर्सीज क्या है और इसके लैक्यूनास क्या है, सो दिस पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द मेन न्यूज। तो हम ये पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो प्री और मेंस दोनों के लिए ही तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर पेज से डील कर सकते हैं। उसके बारे में चलते हैं पेज नंबर 9। यहाँ पर COVID-19 को लेकर बहुत सारे न्यूज दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पैंडेमिक ब्रिंग्स उत्तराखंड घोस्ट हैमलेट्स टू लाइफ। तो अलग अलग जगह पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंस सामने आ रहे हैं इसके बारे में ये पेज है। तो यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली एक चीज को हाईलाइट किया है जहां पर लिखा है कमर्शियल सेक्स वर्क मे स्पाइक केसेस। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो इस तरह के डिजास्टर में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। तो ये बातें हम नोट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूज के बैकग्राउंड में क्या क्या निकल के आता है कि ऐसे कौन कौन से सोसाइटी के सेक्शन है जो इस पर्टिकुलर डिजास्टर के अंदर बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। तो सोसाइटी के हेड के अंदर हम इस पर्टिकुलर न्यूज को नोट डाउन कर सकते हैं। सो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक जैसे कि लेबरर्स, सेक्स वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स, माइग्रेंट्स एंड बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। तो ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है ये कंटेंट हमारा मेंस के लिए हो सकता है और यहाँ से हम लोग प्री के लिए भी बहुत सारे कंटेंट उठा सकते हैं। तो इस तरह के पर्टिकुलर पेज में हमें कौन सी न्यूज पिक करनी है इसका थोड़ा सा आइडिया आपको शायद आ रहा होगा। आगे चलते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अनदर पेज नंबर 10। अब इस पर्टिकुलर पेज में वर्ल्ड से संबंधित बहुत सारे न्यूज हैं। तो पहली न्यूज है तालिबान के बारे में, दूसरी न्यूज है ओडिशा को हिट करने वाले एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जिसका नाम है अम्फान। उसके बाद में है मल्टीपल कंडीशंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो हमारे जो पावर डिस्कॉम्स हैं उनको अपने डिस्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट किस तरह का पैकेज उन्हें देने वाली है उसके बारे में न्यूज है। एंड देन ओवर 42,000 अंडर ट्रायल्स हैव बीन रिलीज्ड। COVID-19 पैंडेमिक के असर की वजह से गवर्नमेंट जेल के कैदियों को छोड़ रही है, रिहा कर रही है। तो ये सारी बातें हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल इश्यूज सामने आते हैं जैसे कि इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, अम्फान साइक्लोन, डिस्कॉम्स का डिस्ट्रेस एंड प्रिजनर्स बीइंग रिलीज्ड। ओके, आगे चलते हैं। दिस इज द पेज ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमको इंटरनेशनल न्यूज मिलेगी जो हमारे बहुत ज्यादा काम की होती है। तो इस पर्टिकुलर पेज से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है। पहली चीज है सस्पिशन ओवर चाइना ड्यू टू COVID-19 आउटब्रेक। तो हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया चाइना को एक मेजर सस्पेक्ट मानती है और उसके कई सारे कारण भी हैं। तो उसी के बारे में न्यूज चल रही है। उसके बाद अफगानिस्तान तालिबान सेटबैक, इसराइल इलेक्शंस एंड क्रिटिसिजम्स ओवर ट्रंप। तो ये बातें हम लोग नोट कर सकते हैं फॉर प्री एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन दिस मैनर वी कैन कवर दिस वर्ल्ड सेक्शन। अब ये सब पढ़ने के बाद लेट अस टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कि हमें इस न्यूज आइटम्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तो ध्यान में रखिए जो एस्पिरेंट इस पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट कर रहा है, एक बिगिनर है, वो अपने एक पर्टिकुलर नोटबुक में इस तरह के सेक्शन बना ले। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, सोसाइटी एंड वर्ल्ड, और हर एक न्यूज को उसके पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से नोट डाउन करता जाए। जैसे कि अगर कोई न्यूज पॉलिटिकल है तो उसे हम पॉलिटी में लिखेंगे, वैसे ही इकोनॉमी के अंदर, वैसे ही साइंस एंड टेक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपको हर एक पर्टिकुलर न्यूज को उसके जीएस के साथ रिलेट करना है और उसे नोट डाउन करना है ताकि उस पर्टिकुलर न्यूज का इस्तेमाल उस पेपर में आप कर पाए। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली आपके पास एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट क्रिएट हो जाएगा।
तो ऑर्गेनाइज करने के बारे में थोड़ी और बातें हम सीखते हैं। तो सबसे पहले नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सेक्शन बनाने होंगे। सो क्रिएट सेक्शन एज शोन बिलो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है वैसे आपको सेक्शन बनाने हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे हर एक न्यूज आइटम को वहां पर डालते जाना है। ओके, सो क्रिएट सेक्शन एज शोन हियर, कीप सम पेजेस इन बिटवीन, उसके बीच में कुछ पेजेस को आप छोड़ दें, बिकॉज उसी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर बहुत सारा कंटेंट आगे आ सकता है। तो सेक्शन में कम से कम आप 20 या कम से कम 15 पेजेस तो छोड़े, ठीक है। उसके बाद यूनिक कंटेंट अगर होता है तो उसे आप फुल्ली नोट डाउन करें, और अगर कोई रेगुलर कंटेंट है, मतलब कि अगर कोई ऐसी न्यूज है जो डेली आ रही है या उसका एक पर्टिकुलर पार्ट रोज आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे रेगुलर कंटेंट। तो रेगुलर कंटेंट को आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो मेक इट शॉर्ट एज पॉसिबल एंड डू इट फॉर अ मंथ, इसी तरह से एक महीने के लिए कंटिन्यू ये काम करें, और एक महीना होने के बाद उसे पर्टिकुलर टैग दें, जैसे कि जनवरी 2020, फरवरी 2020 एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से पूरे मंथ का और पूरे साल का करंट अफेयर प्रिपेयर करें। तब जाके आपके पास हर एक मंथ का कंटेंट रेडी होगा और उससे आप रिलेट कर पाएंगे। सो मेन चीज ये है कि जब भी आप पूरे साल भर ये कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, इतनी मेहनत लोगे, तो उसे आप रिवाइज किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेन चीज ये है कि आपको उसे रिवाइज करते आना चाहिए, और रिवाइज करने के बाद यू शुड बी एबल टू यूज इट इन योर मेन्स प्रिपरेशन और मेन्स एग्जामिनेशन। तो ये सबसे मेन चीज है। सो आई होप आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हमें हिंदू के अंदर क्या क्या चीजें पिक करनी है, क्या चीजें छोड़नी है, और कैसे कंटेंट को समराइज करना है और ऑर्गेनाइज करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट हमारे हर एक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।